हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशा की रसोई। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे राजस्थानी लाल मिर्च की लहसुन वाली चटनी। सो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हम चटनी। उसके लिए लिया है मैंने 10 से 15 ये सूखी लाल मिर्च है, ये दो टमाटर और 10 से 15 मैंने लहसुन की कली लिए और ये जीरा है। अब हम इसको मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लेंगे। सभी को हम एक साथ पीस लेंगे। और ये मेरी मिर्ची तीखी वाली नहीं है, इसीलिए मैंने इतनी सारी मिर्ची ली है। अगर आपके पास तीखी वाली मिर्ची है तो आप कम भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास साबुत मिर्ची नहीं है तो आप मिर्ची पाउडर से भी इस चटनी को बना सकते हैं। ये देखिए मैंने सभी चीज़ इसमें डाल लिए। और अब हम इसमें पीसने से पहले डाल लेंगे नमक। ये देखिए मैंने इसमें नमक डाल दिया है। और अब हम डालते हैं धनिया पाउडर, आप साबुत धनिया भी डाल सकते हैं इसमें, जैसे मैंने जीरा डाला है वैसे ही साबुत धनिया भी डाल सकते हैं। और ये डालेंगे हम 2 टेबलस्पून दही। और अब हम इसको पीस लेते हैं। ये देखिए हमने चटनी को पीस लिया है और चटनी को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, ये देखिए। और अगर आपके पास सिलपट्टा हो तो आप उससे भी पीस सकते हैं, उस पर चटनी ज़्यादा टेस्टी लगती है, पर आजकल सिलपट्टे कम ही मिलते हैं घरों में, इसलिए मिक्सी में ही ज़्यादा बेटर है। ये देखिए चटनी को हमने बाउल में निकाल लिया है। और अब हमने आधी चटनी को कच्ची रखना है और आधी को हमें तड़का लगाना है। ये मैंने पैन में ऑयल गरम कर लिया और अब हमने इसमें जीरा डाल दिया। ये मैंने सरसों का ऑयल डाला है इसमें, या तो आप इसको ऑयल में छोंक सकते हैं या आप इसको घी में, रिफाइंड में ज़्यादा टेस्टी नहीं लगेगी। ये हमने डाल दी चटनी, थोड़ी चटनी हमने कच्ची रख ली थी, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, और थोड़ी हमने तड़के के लिए रख ली। और अब हम इसे 10 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे और अब हम इसको ढक देते हैं। 10 मिनट के बाद देखिए चटनी कितनी अच्छी लग रही है हमारी। चटनी पक चुकी है और इसने ऑयल भी छोड़ दिया है, इसका मतलब चटनी हमारी पक गई। ये देखिए सर्दियों में आप इसको मक्के की रोटी या बाजरे की रोटी के साथ भी खा सकते हो, छाछ दही के साथ बहुत टेस्टी लगती है ये। और अगर आपका किसी दिन सब्जी खाने का मन नहीं हो तो आप इस चटनी के साथ रोटी भी खा सकते हो, दही और चटनी। ये देखिए हम इसको निकाल लेते हैं अब बाउल में, और हम इस चटनी को 6 से 7 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती, तब हमारा मन करे तब हम निकाल कर खा सकते हैं। ये चटनी को हमने बाउल में निकाल लिया है। अब हमने थोड़ी कच्ची चटनी रखी थी और थोड़ी तड़के वाली, जिसका जो मन करे वो खा सकता है। ये देखिए इस तरह हम चटनी को थाली लगाकर खा सकते हैं। अगर कभी हमारा सब्जी खाने का मन नहीं हो या घर में अवेलेबल नहीं हो सब्जी तो फ्रेंड्स आप ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट में बताइएगा कि हमारी चटनी कैसी बनी, राजस्थानी लहसुन वाली चटनी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।